जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कुल दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। एक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 1500% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिविडेंड कब मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, किसे किसे मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और दूसरी कंपनी है LIC। LIC के IPO के आने का इंतजार अब खत्म हो गया है। उम्मीद है कि LIC का IPO नेक्स्ट मंथ में पहले सप्ताह में आ सकता है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं HDFC बैंक से। देखिए, HDFC बैंक हम लोग जानते हैं कि भारत का प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है। दिग्गज बैंक इसलिए क्योंकि एक तो लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, और दूसरा इस बैंक का NPA भारत में जितने बैंक उसमें देखा जाए तो सबसे कम NPA इसी बैंक का है। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जिस बैंक का जितना कम रहे उससे अच्छा माना जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिविडेंड के बारे में। इस बैंक ने कल ही डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि 15.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिए जाएंगे, यानी कि एक शेयर पर आपको 15.50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया है 13 मई 2022, यानी कि 13 मई के पहले जिस व्यक्ति के पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे उसे इस डिविडेंड का लाभ मिलेगा। तो अगर आप इस डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो कम से कम 13 मई के 2-3 दिन पहले इस स्टॉक को बाई कर लीजिएगा। और उसमें कंडीशन ये है कि बीच में सैटरडे संडे नहीं आना चाहिए, तो फिर 4 दिन पहले आपको बाई करना पड़ेगा। अब समझिए, फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपया। और जब भी कंपनी या कोई भी बैंक डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देती है। तो जब आप 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 15.50 रुपये का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1500%। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिविडेंड परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड बाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100। यानी कि डिविडेंड जो है उसको यहाँ समझिए, जैसे डिविडेंड है 15.50 रुपया, यहाँ 15.50 रुपया लिख दिए और नीचे में लिखा जाता है फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपया, नीचे में 1 रुपया लिख दीजिए और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1500%। यानी कि सॉरी, यहाँ 1500 रुपये लिखा गया है, 1500% होगा, 1500% कंपनी बैंक यहाँ आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। यह तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि 1500%, 2000%, 2500%, सुनने के लिए और देखने के लिए अच्छा होता है कि हाँ इतना ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। मायने क्या रखता है, जो कंपनी पैसों में रुपये में डिविडेंड देने जाती है वही। अब समझिए, ये जो बैंक HDFC बैंक साल में कम से कम 1 से 2 बार डिविडेंड देता ही देता है, फिक्स है, ज़्यादातर साल में 1 ही बार डिविडेंड देता है, किसी साल में 2 बार डिविडेंड देता है। और लास्ट डिविडेंड की बात करें तो इसने लास्ट डिविडेंड दिया था 6.5 रुपया प्रति शेयर, यानी कि पिछले बार इसने एक शेयर पर 6.5 रुपया दिया था, इस बार देखेंगे तो काफ़ी बढ़ाकर डिविडेंड दे रहा है 15.5 रुपये, क्योंकि इसके क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी तगड़ा आ रहे हैं। तो कंपनी को जब मुनाफा होता है तो कंपनियां डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा देती हैं। और पिछले बार इसने जून 2021 में डिविडेंड दिया था 6.5 रुपये का। तो ये हो गया HDFC बैंक का अपडेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग उस LIC का अपडेट के ऊपर, जिसके लिए बहुत सारे नए लोग डीमैट अकाउंट खुलवा के शेयर बाजार से जुड़े हैं सिर्फ LIC के IPO के लिए। तो उनके लिए खबर काफ़ी काम की होने वाली है। समझिए, पहले क्या था कि सरकार जब इस साल LIC के IPO को लेकर DRHP फाइल की थी तो उसमें था कि 5% स्टेक LIC का सरकार बेचने जा रही है। लेकिन अभी खबर ये आई है कि चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है तो इसको देखते हुए अब सिर्फ 3% ही LIC की हिस्सेदारी बेचेगी। पहले यह हिस्सेदारी 5% बेचने वाली थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार वैल्यूएशन को कम करेगी। पहले जो वैल्यूएशन था LIC का, जब 5% हिस्सेदारी सरकार बेचने वाली थी, तब था 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपये। अनुमान लगाया जा रहा था कि LIC का जो वैल्यूएशन होगा 60-65 हज़ार या उससे भी अधिक रह सकता है। लेकिन अब सरकार जब 3% ही LIC का स्टेक बेचेगी तो उस हिसाब से माना जा रहा है कि 21 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच का कंपनी का वैल्यूएशन रह सकता है LIC के IPO का। हालांकि 21 से 30 हज़ार के बीच का भी अगर LIC का वैल्यूएशन होता है तब भी यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी IPO बन जाएगी। इतने बड़े वैल्यूएशन का IPO इसके पहले कभी नहीं आया था। अब समझिए, उम्मीद है कि मई में पहले ही सप्ताह में 3 मई से बेसिकली अगर देखें तो यह IPO ओपन हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और इस बार चांस काफ़ी अधिक है कि LIC का IPO का जो डेट बताया जा रहा है इस दिन LIC का IPO खोली जाए। तो अगर आप डीमैट अकाउंट खोलकर तैयार बैठे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए तो पैसे को जुगाड़ कर लीजिए, इस बार मई में IPO आकर ही रहेगा। अब आप यह जान जाइए कि सरकार ने LIC के वैल्यूएशन को कम क्यों किया है, क्योंकि 5% से अब 3% हिस्सेदारी बेची जाएगी तो वैल्यूएशन तो कम होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि 5% की जगह 3% ही हिस्सेदारी बेची जाएगी। पहला कारण यह है कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। रशिया यूक्रेन वार के चलते पूरी दुनिया की बाजार की स्थिति डगमगाई हुई है, पूरे बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, मार्केट में इन दिनों काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। तो इसके पीछे बेसिकली रशिया यूक्रेन वार तो है ही, और भी तमाम सारे कारण हैं, जैसे अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वहाँ ब्याज बढ़ाने को लेकर एकदम तत्पर है कि ब्याज बढ़ाएगा ही, दूसरा इन्फ्लेशन है कि बढ़ते जा रहा है, तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते सरकार ने भी सोचा है कि कम वैल्यूएशन पर LIC का IPO कराना बेहतर होगा। तो सरकार ने इस बार निर्णय कर लिया है कि IPO वहाँ रहेगा, चाहे कम वैल्यूएशन पर आए चाहे अधिक वैल्यूएशन पर आए। तो बेसिकली यह दो अपडेट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आए होंगे, जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं समय देकर सबको समझाने का, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।